के चलते संपूर्ण भारत लॉकडाउन है, और वहीं कई सामाजिक संगठन व सहयोगी संस्थाएं एक दूसरे जी अच्छा लग रहा है जी, लोगों की मदद करने में अच्छा लगता है जी। जैसे लॉकडाउन कैसा फील कर रहे हैं? हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं सर, हमारे को अभी सजा का भी पता नहीं लग रहा है, क्योंकि हम किसी गरीब की मदद कर रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है बहुत बड़ा। लॉकडाउन के चलते संपूर्ण भारत लॉकडाउन है, और वहीं कई सामाजिक संगठन व सहयोगी संस्थाएं एक दूसरे का हाथ बटाने में लगी हुई हैं, और प्रवासी मजदूरों को, गरीबों को राशन वितरित करने में लगी है। तो इसी तरह आज हम आपको दिखाना चाहेंगे, हम पहुंचे हैं आज जिला कारागार पानीपत में, तो आपको दिखाना चाहेंगे किस तरह लोग से यहाँ पर कैदी हैं जो वो सेवा में लगे हुए हैं, और हम उनसे आपको रूबरू भी करवाएंगे, उनसे पूछेंगे कि आपको कैसा लग रहा है। आइए हम एक बार इनसे बात कर लेते हैं। हाँ जी, आप यहाँ पे सेवा में लगे हो तो आपको कैसा लग रहा है? जी अच्छा लग रहा है जी, लोगों की मदद करने में अच्छा लगता है जी। जैसे लॉकडाउन हुआ था, लोग भूख से बेहाल हुए थे, तो आप जैसे आपके हाथों द्वारा खाना बनाया उनको मिल रहा है, तो आपको कैसे कैसे जी अच्छा लग रहा है जी खाना लॉकडाउन के बारे में? हमारे साथ और भी कैदी हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे। हाँ जी बताइए, जैसे आप सेवा भाव में लगे हुए हैं तो आप कैसा फील कर रहे हैं? हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं सर, हमारे को अभी सजा का ही पता नहीं लग रहा है, क्योंकि हम किसी गरीब की मदद कर रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है बहुत बड़ा। और मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है, सभी अपने अपने घर में रहे, डिस्टेंस बना के रखें और सावधानी बरतें। धन्यवाद। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप किस दुख में यहाँ पर आए थे, और बाहर निकल के यहाँ से जाके क्या आप अपने कामों पर ध्यान देंगे, अच्छे कामों की तरफ? सर मैं 302 के केस में अंदर हूँ, और मैं बाहर जाने के बाद एक मैं यहाँ बहुत सुधर चुका हूँ, मेरे को अंदर 5 साल हो चुके हैं, और अभी जब मैं दोबारा जाऊँगा तो आज के बाद मैं कोई भी बुरा काम नहीं करूँगा, और दूसरों को भी सलाह दूंगा कि कोई भी बुरा काम ना करे, बुरे काम का बुरा ही नहीं। जहाँ पर सभी सामाजिक संस्थाएं, सभी संगठन इन प्रवासी मजदूरों को, जो गरीब हैं, भूखे लोगों को रोटी, कोई रात को भूखा ना सोए, इसी जुगत में लगे हुए हैं, तो हम आपको लगातार इन्हीं अवगत करवाते रहेंगे। बने रहिए लगातार A1 इंडिया के साथ।